नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। जिस तरह की अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें सबके दिमाग में एक ही सवाल है और वो है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ आर कंट्री, कि आगे आने वाले कुछ महीने जो है उसमें हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या होंगी। आज मैं आपके साथ यही सब डिस्कस करूंगी। एस्ट्रोलॉजी के जो क्लासिक टेक्स्ट हैं उनमें बहुत क्लियरली ये लिखा हुआ है कि जब जब जुपिटर और सैटर्न एक साथ होंगे तब तब इट विल नॉट बी अ वेरी गुड टाइम फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। 2008 और 2009 में जब इकोनॉमिक रिसेशन आया था तब भी जुपिटर और सैटर्न आमने सामने थे। जुपिटर वॉज इन एक्वेरियस एंड सैटर्न वॉज इन लियो, सिंह राशि। हम सब ने उसके रिजल्ट देखे। अगर हम आज की बात करें तो आज की सिचुएशन यह है कि जुपिटर और सैटर्न दोनों के दोनों जो है मकर राशि में है। इसको अगर हम इंडिया की कुंडली में लगाएं, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी इंडिया की जो है दशा क्या चल रही है। इंडिया की अभी जो है चंद्रमा की दशा चल रही है, महादशा चंद्रमा की है और जो अंतर दशा है वो सैटर्न की है। और जो जुपिटर और शनि का जो कंजंक्शन हो रहा है वो चंद्रमा से सातवें घर में हो रहा है इंडिया की कुंडली में, और लग्न से नवें घर में हो रहा है। सैटर्न जो है वो रिप्रेजेंट करता है मासेस को, जनता को, लोगों को। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है लेबर को, इट रिप्रेजेंट्स फैक्ट्रीज, इट रिप्रेजेंट्स कोल, इट रिप्रेजेंट्स ऑयल, सैटर्न रिप्रेजेंट्स मेटल। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी को, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है फाइनेंस को, गोल्ड को, फूड को, खाने को। अब जुपिटर जो है वो अभी नीच के हैं तो एज अ रिजल्ट गोल्ड के प्राइसेस जो है वो ऊपर बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा सैटर्न रिप्रेजेंट करता है लेबर को, सैटर्न रिप्रेजेंट करता है मेटल को, तो मेटल इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई, इवन ऑयल एंड कोल इंडस्ट्री, फॉर देम इट इज नॉट अ वेरी गुड टाइम। बट द गुड न्यूज इज दैट इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री। इस साल बारिश अच्छी होगी, एज अ रिजल्ट फसल अच्छी होगी, विच विल कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण जो है इंडिया की कुंडली में अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये जो है 2-8 एक्सिस पे बनता है, दूसरे घर में और आठवें घर में। आठवां घर जो है वो लॉसेस का घर है और सडननेस का घर है। जिस दिन ये सूर्य ग्रहण हो रहा है उस दिन जो है चार ग्रह वक्रीय हैं, रेट्रोग्रेड हैं। कौन कौन से हैं ये ग्रह? सैटर्न, जुपिटर, वीनस एंड मर्करी। मर्करी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। हाउ? बिकॉज मर्करी जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट को। मर्करी और मून, दीज आर द प्राइमरी टू प्लैनेट्स जिनका मूवमेंट हम स्टडी करते हैं स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शंस के लिए। तो मर्करी का रेट्रोग्रेड होना रिप्रेजेंट्स द वॉलिटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट। तो इस साल जो है आप स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव जो है वो ज्यादा देखेंगे। ऑल्सो 2020 अगर आप न्यूमरोलॉजिकली देखें तो इसका जो टोटल आता है वो आता है चार नंबर। चार नंबर जो है वो राहु का नंबर है, विच रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी, विच रिप्रेजेंट्स अननोन फियर। अगर आप 2021 को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आता है पांच। पांच नंबर रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, बुध को। ऑल्सो जुलाई 2021 में भारत की दशा भी बदलेगी। अभी दशा चल रही है चंद्रमा में शनि की, तब दशा आएगी चंद्रमा में बुध की, मरकरी एंड मून। और जैसे मैंने कहा मून एंड मरकरी आर द प्लैनेट्स विच टॉक अबाउट द स्टॉक मार्केट, तो दैट विल बी अ गुड टाइम फॉर द स्टॉक मार्केट। यू विल सी द स्टॉक मार्केट टचिंग न्यू हाइट्स, ग्रेट हाइट्स। पर उससे पहले जुपिटर जो कि अभी नीच के हैं और 20 नवंबर 2020 को जो है वो मकर राशि में आएंगे। अभी जो है 29 जून तक जो है जुपिटर मकर राशि में ही है और 29 जून के बाद वो धनु राशि में आ जाएंगे। नवंबर तक धनु राशि में रहेंगे, फिर नवंबर से आगे साल भर तक फिर मकर राशि में रहेंगे। और नीच के जुपिटर जो है, जैसे मैंने कहा जुपिटर रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी को, तो नीच के जुपिटर जो है वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होंगे। पर जैसे जैसे जुपिटर का मूवमेंट होगा, जैसे जैसे जुपिटर जो है मकर राशि में आगे बढ़ेंगे और जैसे ही जुपिटर कुंभ राशि में एक्वेरियस में आ जाएंगे, तब जो है इट विल बी अ गुड टाइम फॉर द इकोनॉमी। एक्वेरियस के जुपिटर जो है एग्जॉल्टेड जुपिटर से भी बेटर होते हैं।
ऑल्सो जैसे जैसे जुपिटर जो है सैटर्न से धीरे धीरे आगे मूवमेंट होता रहेगा, वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहेगी। सो फ्रेंड्स, आगे आने वाला टाइम जो है वो अच्छा समय है, वो अच्छा टाइम है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ये कोई पहली बार नहीं है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है, इससे पहले भी स्लो डाउन हुआ है और हम लोग जो है उसको ओवरकम कर चुके हैं। प्लैनेट्स अगर हमें इस सिचुएशन में डालते हैं तो प्लैनेट्स ही हमें हेल्प भी करते हैं इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इन दिस टाइम वी ऑल शुड बी पॉजिटिव, वी ऑल शुड पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, टुवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आर कंट्री। डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।